चौक पड़ता है वहाँ की घटना है। अब ये लगभग आधा एक घंटे पहले की, आधा पौन घंटे पहले की घटना है। गुलदार जो है मकान मालिक ने, ये बच्ची आंगन में थी और मकान मालिक लाइट बंद गई, तो जैसे मकान मालिक अंदर गया तो ये भी अपने कमरे के अंदर जाने लगी, तो उसको बाघ ने उठा दिया। लेकिन स्थानीय लोगों द्वारा शोर में जाने पर बाघ ने उसको छोड़ दिया और कुछ लोग इसको जो है उठा के इमरजेंसी में ले गए, आपातकालीन उसको ले गए। लेकिन जो लड़की की स्थिति वो गंभीर बताई जा रही है। उसके जो है गले में भी नाखून या दांत बाघ ने मारा, पेट में मारे हैं, और उसके कारण जो है नाखून मारने के कारण उसको कुछ भारी हवा जो है उसके पेट के अंदर जा रही, डॉक्टर द्वारा जो बताया जा रहा है। इसलिए उसको उचित उपचार के लिए, अच्छे उपचार के लिए बाहर भेजा जा रहा है। और मैं प्रशासन से ये भी निवेदन करना चाहूँगा, विनती करना चाहूँगा कि ये इस क्षेत्र की ये चौथी या पाँचवीं घटना है, और ये लगातार छोटे छोटे बच्चों को, 3 से लेकर 6 साल के बच्चों को ये बाघ उठा रहा है, बार बार हमला कर रहे हैं। इसके लिए उचित व्यवस्था होना चाहिए और बाघ को नियंत्रण करना चाहिए। 9:30 के करीब हमारे इमरजेंसी विभाग में 3-4 साल की बच्ची को लाया गया, जिसको गुलदार ने आक्रमण किया हुआ है। सुनकोट के आसपास कहीं पर आक्रमण किया था, तो हमारे सारे चिकित्सकों ने, सर्जरी डिपार्टमेंट और ऑर्थो डिपार्टमेंट के चिकित्सकों ने ट्रीटमेंट देके और उसको स्टेबलाइज कर दिया है। लेकिन उसके थोड़ी गंभीर स्थिति है, तो CTPS डिपार्टमेंट के लिए हमने एम्स ऋषिकेश में रेफर किया हुआ।